हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो थोड़ी सी बातें ऐप को लेकर कर लेते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ कंफ्यूजन हैं बच्चों को, जो मैं दूर कर दूं। पहला है कि सर, ऐप में हमको एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है? तो देखो, मैं बता दूं आपको, लेक्चर और नोट्स ये तो आपको यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं, ऐप पे भी मिलेंगे। उसके अलावा जो आपके मेन एग्जाम की प्रिपरेशन है, वन मार्क्स क्वेश्चन कैसे होंगे, टू मार्क्स क्वेश्चन कैसे आएंगे, थ्री मार्क्स कैसे आएंगे, फाइव मार्क्स कैसे आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, जल्दी मिलेंगे सारी चीजें। देन एमसीक्यू प्रैक्टिस की, जो एग्जाम में प्रैक्टिस है। एक होता है कि आप यूट्यूब पे ऐसे मान लो कर दिया सामने कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, उसमें मजा नहीं है बेटा। ऐप में जब क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप खुद सोच करके उसका आंसर क्लिक करेंगे, वो आपके दिमाग में रह जाएगा। ये जो है तीन पार्ट एमसीक्यू वाला, खास करके ये जो पार्ट है, इसमें आपकी एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से भी रहेगा सब कुछ। यानी कि समझ रहे हैं आप, दोनों चीजें कंबाइंड रहेंगी इसके अंदर। आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आए थे, ठीक है, वन मार्क्स क्वेश्चन भी आए थे, जो कि 20 नंबर का पार्ट है अब तुम्हारे डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम का। तो ये दोनों चीजें रहेंगी। जल्द ही लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मैंने पहले ही कहा था अगस्त में, अभी थोड़ा सा काम है, ठीक है ना। तो जल्द ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और रूटीन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जिन बच्चों ने कोर्स सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराएं नहीं और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अभी क्या हो रहा है। ये जल्दी आप लोगों के बैच बना दिए जाएंगे और आपके लिए लाइव डाउट क्लासेस और रूटीन टेस्ट वगैरह जो सारी चीजें हैं ये आपको अवेलेबल स्टार्ट हो जाएंगी। ये सब चीजें जो हैं ये तो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं कुछ, और कुछ जल्दी उसमें ऐड हो जाएंगी आपके ऐप में। अब दूसरा कंफ्यूजन है, सर ये 1100 रुपए बहुत ज्यादा है। तो मैं बच्चों से कह रहा हूं, बच्चों ये पूरे साल के लिए है। किसके लिए है? पूरे साल के लिए, या फिर यूं कह लें हर एक बच्चा अलग अलग स्टेट में है, कुछ बच्चों के पेपर आगे पीछे हो रहे हैं, तो उसमें अभी आपको एक डेट लिख के आ रही होगी, ये कोर्स इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, जो जिस स्टेट के हैं उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज कर लिया जाएगा। जिनके पेपर लेट होंगे उनके लिए वो एक्सपायरी डेट बढ़ा दी जाएगी, यानी कि कोर्स उस डेट पे एंड ना होकर के उनका जब फाइनल पेपर होगा उसके बाद ही हुआ, उस महीने के एंड में जाकर के ये जो ऐप का जो कोर्स आप परचेस करेंगे वो एंड होगा। बात समझ में आ गई? कोर्स जिन लोगों को लगता है कि सर 1100 अमाउंट बड़ा है, तो उनको दो इंस्टॉलमेंट में कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, ये बात बताना भूल गया था मैं, ठीक है। 550 रुपए दो इंस्टॉलमेंट में, तीन तीन महीने में आपको करने हैं। एक इंस्टॉलमेंट आप आज करते हैं तो आज से तीन महीने बाद आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरा, ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में ही आपको इस लेक्चर के नोट्स भी मिलने वाले हैं, क्लियर है। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को दूर करूंगा, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा कोई डाउट है मेरे ख्याल से अगर, तो डायरेक्ट कॉल करें मेरे को, बिल्कुल भी हिचकिचाए ना, मैं जो भी क्वेरी होगी आपकी दूर कर दूंगा। फिलहाल ये सारी क्वेरीज जो मैं अभी तक देख रहा था आ रही थी, तो उनको लेकर के मेरे को यहां पर ये लेक्चर में ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यहां पर कुछ इंट्रोडक्टरी बातें होंगी, ठीक है, जो कि सिलेबस में एज इट इज तो मेंशन नहीं है, बट हाँ यहां पर जो बातें डिस्कस होंगी वो पूरे तुम्हारे कोर्स में थ्रू आउट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उनके अंदर इस्तेमाल, यहां पर जो पढ़ेंगे उसमें टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं और साथ साथ में जो डेफिनेशन इस्तेमाल हुई है कहीं ना कहीं तुम्हारी इस्तेमाल होती रहेंगी, और बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे वो हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं मैं, और वो चीज क्या है कि जैसे ही आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे, है ना, ऐप को क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया, क्योंकि बच्चों के डाउट्स हैं, उसके बाद आप कोर्स को ले लेते हैं। क्या ले लिया? कोर्स ले लिया बच्चों। कोर्स लेने के बाद आप लोगों के बैच क्रिएट हो जाएंगे। क्या क्रिएट हो जाएंगे? बैच 50-50 के, है ना, जैसे भी जितने बच्चे होंगे उनके बैच क्रिएट होंगे। अब इन बैचेस का क्या रहेगा, डायरेक्ट ये बच्चे मुझसे जुड़ेंगे, ठीक है, डायरेक्ट कैसे जुड़ेंगे, मैसेज के थ्रू, ठीक है ना। अच्छा, जिनके जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड कर रखा हो डायरेक्ट मेरे को चैट, नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा चैट, चैट के थ्रू डायरेक्ट मुझको मैसेज कर सकते हैं, कोई बात है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लस जो बैच वाले बच्चों को क्या रहेगा, डायरेक्ट इनका मैसेज तो रहेगा ही, प्लस इन लोगों की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। स्टार्टिंग में जो मेनली लाइव क्लास रहेगी वो क्या रहेगी, जो टॉपिक हम लोग डिसाइड करेंगे, अपना एक प्लानर शेड्यूल सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे? शेड्यूल सेट कर देंगे। उस शेड्यूल के तहत हम लोग अपने जो कोर्स हैं
जैसे कि मान लो हैप का ही है ये, अभी इसका चैप्टर नंबर 1 ठीक है, प्लस चैप्टर नंबर 2। मान लो हम डिसाइड करते हैं कि इस हफ्ते हमने ये दो चैप्टर कवर करने हैं, तो ये दो चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं और उसके बाद एक डेट डिसाइड करेंगे जिस डेट पर मैं आप लोगों की क्या लूंगा, डाउट क्लास लूंगा इस दो चैप्टर के रिगार्डिंग में, या सिंगल सिंगल चैप्टर जैसा भी होगा। मतलब हम लोग टॉपिक पढ़ते जाएंगे और मैं आप लोगों की डाउट क्लास के लिए लाइव आकर के आपसे इंटरेक्ट करूंगा। तो ये सब चीजें जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो जितना जल्दी जुड़ जाइए उतना अच्छा है, ठीक है, और बहुत जल्द ये सब चीजें यहां पर स्टार्ट होने वाली है। क्लियर है? कुछ और डाउट है तो बिना झिझके कॉल करो मेरे को। बहुत से बच्चों ने कॉल किया है, बहुत अच्छा लगा मेरे को, पूरे ऑल ओवर इंडिया से कॉल आ रहे हैं मेरे पास, है ना। बच्चों कुछ क्वेरीज हैं, कुछ शंकाएं हैं, वो मुझसे पूछते हैं। अच्छा, कुछ चीजें और हैं जैसे कि कौन सी बुक इस्तेमाल करनी है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे डाउट्स हैं ऐप को लेकर, कुछ डाउट्स हो जाते हैं तो बेझिझक मुझको कॉल करें, ठीक है ना। बहुत जगह से कॉल आ रही है, बहुत बच्चों का प्यार मिल रहा है आप लोगों का, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो जो भी डाउट है मुझे फोन करें, और ये ऐप आप ही लोगों के लिए है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जैसे मैंने बताया कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ठीक है, बट यहां पे हर एक चीज सीखनी बहुत जरूरी है और वो बहुत काम आने वाली है। तो आओ देखें इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है। टू ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस की दो ब्रांचे हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। साइंस की दो ब्रांचे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, नाम तो सुना ही होगा, है ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी सुना होगा। क्यों? क्योंकि काफी सालों से पढ़ते आ रहे हो, काफी सालों से नहीं तो 11, 12 से तो पढ़ी है, ठीक है। प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द बॉडीज पार्ट्स एंड फंक्शन। ये दोनों मिल करके क्या काम कर रहे हैं, ये प्रोवाइड करवाते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब एक बेस तैयार करवाते हैं ताकि हम समझ सकें बॉडी के पार्ट को और उसके फंक्शन को। बॉडी के पार्ट लंग्स हैं, लिवर हैं, वगैरह वगैरह। तो एनाटॉमी में क्या आ जाता है, उसमें क्या चीज करनी है हमें। द वर्ड एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एना, अप, टॉमी में मतलब प्रोसेस ऑफ कटिंग। हम किसी चीज को काटेंगे, यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं उनको काट करके देखेंगे अंदर क्या है, ठीक है। इज द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। बॉडी की स्ट्रक्चर की साइंस है, लिवर कैसा दिखता है, हार्ट कैसा दिखेगा, अंदर क्या क्या है उसके, ठीक है, और लिवर और लंग्स आपस में कैसे कनेक्टेड है, लिवर और किडनी आपस में कैसे कनेक्टेड है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हो रखे हैं, उनके बीच में आपस में क्या रिश्तेदारी है। इट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय डिसेक्शन, सबसे पहले हमने इसको डायसेक्ट करके, मतलब एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, डिसेक्शन किया। ये डिसेक्शन वर्ड क्या होता है, डिस मतलब अपार्ट, दूर कर देना, सेक्शन एक्ट ऑफ कटिंग, तो काट करके अलग कर देना, आधा अलग कर देना। द केयरफुल कटिंग ऑफ कटिंग अ पार्ट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर टू स्टडी देयर रिलेशनशिप। हम लोग उसको काट काट के अलग करके उनकी स्टडी की है और तभी आज हम लोग इतना एडवांस लेवल पर पहुंच गए हैं, किसमें, अपनी मेडिसिनल साइंस में, या कह लो अपने डॉक्टरी लेवल, जो भी आप कह सकते हो, रिसर्च लेवल में हम लोग इतना एडवांस लेवल पर पहुंच गए आज, ठीक है। फिजियोलॉजी क्या होता है, सिंपल, द वर्ड फिजियोलॉजी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिजियो, नेचर, लॉजी स्टडी ऑफ, मतलब नेचर की स्टडी, नेचुरल। हमारी बॉडी में सारी चीजें क्या नेचुरल हो रही है, सांस अपने आप ले रहे हैं, दिल अपने आप धड़क रहा है ना, फिजियो। इज द साइंस ऑफ हाउ द बॉडी, बॉडी कैसे एंड इट्स पार्ट्स वर्क और फंक्शन, बॉडी और उसके पार्ट्स कैसे फंक्शन या काम करते हैं, सिंपल फिजियोलॉजी, ठीक है ना। देर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं। अगर हम बात करें तो देख सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है ना। एम्ब्रियोलॉजी में क्या रहेगा, थोड़ा देख लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। फर्स्ट 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग, जो एग फर्टिलाइज हो जाता है, स्पर्म ओवम के ओवम, स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज हो जाते हैं, 8 वीक, 8 हफ्ते यानी कि लगभग 2 महीने की जो स्टडी रहेगी वो, उस 2 महीने के लिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है, द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डेथ। एक फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म ओवम का, बच्चा बना, बच्चे से बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, पूरा जो रहेगा शुरुआत से, बर्थ से लेके अंत तक, वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आ जाएगा। देन सेल बायोलॉजी है, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आएगा इसके अंदर, ठीक है। देन सेल बायोलॉजी हिस्टोलॉजी, इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज, हिस्टोलॉजी। ग्रॉस एनाटॉमी, स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामिन्ड विदाउट माइक्रोस्कोप। ग्रॉस एनाटॉमी हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, अच्छा हार्ट का शेप ऐसा 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 है ना, किडनी ऐसी गोल है जो ऊपर से देखते हैं, दैट इज ग्रॉस एनाटॉमी। सिस्टमैटिक एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ बॉडी, ठीक है, सच दैट नर्वस और रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टमैटिक एनाटॉमी मतलब कुछ खास सिस्टम की हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। रीजनल एनाटॉमी, स्पेसिफिक रीजंस ऑफ द बॉडी सच एज द हेड और चेस्ट, कोई खास रीजन, चेस्ट को काट के देख रहे हैं, हेड को काट के देख रहे हैं,
ठीक है। सरफेस एनाटॉमी, सरफेस मेकिंग ऑफ द बॉडी टू अंडरस्टैंड द इंटरनल एनाटॉमी थ्रू विजुलाइजेशन एंड पल्पिटेशन, ठीक है ना, जेंटल टच। सरफेस एनाटॉमी क्या, सरफेस मार्किंग ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो सरफेस मार्किंग है ना, किस तरह से उसका सरफेस पूरा हो रखा है। बॉडी टू अंडरस्टैंड इंटरनल एनाटॉमी थ्रू विजुलाइजेशन एंड पल्पिटेशन, सीधा सिर्फ टच करके, उस ऑर्गन टच करके, ठीक है, और उसका सरफेस का स्ट्रक्चर है उसको देख करके हम उसका स्टडी करते हैं। इमेजिंग एनाटॉमी, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर डेट कैन बी विजुलाइज विद द टेक्निक्स, है ना, आजकल क्या आता है, एक्सरे आ गया है, सिटी स्कैन आ गया है, तो टेक्निक के थ्रू हम लोग इमेजिंग करते हैं, उसके अंदर का देखने की कोशिश करते हैं, सच एज एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्कैन एंड अदर टेक्नोलॉजीज फॉर क्लिनिकल एनालिसिस एंड मेडिसिनल इंटरवेंशन। तो ये ब्रांचेस हैं बच्चों, ये नॉट इन कोर्स, फिर बता रहा हूं मैं, कोर्स में नहीं, बट समझना है कि अच्छा ये सब चीजें भी होती हैं। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, ये तो आएगा ही आएगा अपना। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस ग्रॉस टू माइक्रोस्कोपिक एसोसिएटेड विद डिजीज, डिजीज होने के बाद एक नॉर्मल बॉडी में क्या चेंजेस आ गए, बाहर या अंदर शरीर के, दोनों चेक किए जाते हैं, बात समझ में आई। तो ये तो होगी अपनी क्या, एनाटॉमी। एनाटॉमी के बाद बात करें अगर हम लोग, ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन एंड डीएनए, ये अगर अकेले के तौर पर देखा जाए तो हमारी बॉडी में क्या कर रहे हैं। न्यूरोफिजियोलॉजी, फंक्शंस प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व सेल्स, नर्व सेल्स है ना, सबको पता है नर्व सेल्स क्या करते हैं, कंडक्शन का काम करते हैं, मैसेज को बॉडी से इधर से उधर लेके जाते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, हार्मोन्स के बारे में सारा डिस्कशन होगा। कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ द हार्ट, ठीक है। देन इम्यूनोलॉजी, डिफेंस, डिफेंस सिस्टम, हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है जो हमको किससे, डिजीज से बचाता है, उसकी स्टडी हो जाएगी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ द एयर पैसेजेस, पैसेज वे एंड लंग्स, इन सब की, लंग्स के बारे में बात रहेगी। रीनल, किडनी के बारे में हो गया। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, चेंजेस इन द सेल एंड ऑर्गन फंक्शन ड्यू टू मस्कुलर एक्टिविटी, जो मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं उससे क्या चेंजेस आएंगे। देन पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिजीज एंड एजिंग, क्या क्या फंक्शन में चेंज आ गए, एक नॉर्मल इंसान था उसको डिजीज हुई, तो मान लो किडनी नॉर्मल चल रही थी, डिजीज होगी तो अब किडनी में क्या चेंज आ गया, वो जो चेंज आ गया है दैट इज पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। या उम्र के साथ उसमें क्या चेंज आ गया है, तो ये दोनों तो भाई अपना रहेगा ही रहेगा, सेकंड ईयर में भी काम आएगा तुम्हारा, ये दोनों टर्मिनोलॉजी आने वाली है, ठीक है। अब उसके बाद इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने देखा कि एनाटॉमिकल पार्ट अलग चल रहा है, ठीक है, फिजियोलॉजी वाला। फिजियोलॉजी में क्या हो गया, फिजियोलॉजी पता है ना क्या हो गया, एनाटॉमी हो गया, इंटरनल फिजियोलॉजी वो काम कैसे करता है। अब हम बात करें अगर लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी, पढ़ रखा होगा ये, थोड़ा सा फॉरवर्ड देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी बनी कैसे है। तो सबसे छोटे लेवल पर आ रहे हैं तो केमिकल लेवल होता है, कैसा होता है, केमिकल लेवल है ना, केमिकल्स का बना हुआ है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। तो देखें, दिस इज वेरी बेसिक लेवल, इंक्लूड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सबसे छोटे लेवल पर चले जाए तो हमारी बॉडी एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई है। सर्टेन एटम्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, ये कुछ ऐसे एटम यहां बता दिए गए हैं जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, इनके बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है। टू फैमिलियर मॉलिक्यूल फाउंड इन द बॉडी आर डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड जेनेटिक डीएनए द जेनेटिक मेटेरियल पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, एक तो डीएनए हो गया जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है, एंड ग्लूकोज, डीएनए सब कुछ कंट्रोल करता है, ग्लूकोज के बिना एनर्जी नहीं मिलने वाली, इन दोनों के बिना तो जिंदगी हमारी, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन इन दोनों के बिना बड़े कॉमन है, सब जानते हैं इसके बारे में, डीएनए और ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज के बिना एनर्जी नहीं मिलने वाली, मर जाएंगे हम लोग। तो ये फैमिलियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, केमिकल लेवल की बात करें जो हमारी बॉडी को चलाने में या जिंदा रखने में हमें हेल्प रखते हैं। फिर मॉलिक्यूल जुड़ करके क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल कंबाइन जुड़ जाएंगे, क्या बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये डेफिनेशन, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सेल सबसे छोटी इकाई है जो कि शरीर में जीवित होती है और काम करती है और जो कि केमिकल से मिलकर बनी हुई है, जैसे कि मसल सेल्स, नर्व सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, ये सब डिटेल में आएंगे सारे सेल, ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल की अगर हम बात करें तो डिफरेंट सेल्स मिलकर क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स द मटेरियल सराउंडिंग देम, ठीक है, एक तो ग्रुप ऑफ सेल्स, मान लो ये बहुत सारी सेल्स से मिलकर एक टिश्यू बना हुआ और साथ में उसके सराउंडिंग में क्या है, फ्लूइड है, तो ये पूरा मटेरियल सराउंडिंग देम, वो सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर, टिश्यूज और उसके आसपास का जो मटेरियल है वो सब आता है इसके अंदर। डेट वर्क टूगेदर, ये मटेरियल फिल्यूड और ए टिश्यू मिलकर साथ में काम करते हैं टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, है ना, जब कुछ सेल मिलकर एक हो जाते हैं और फिर वो कोई एक काम करेंगे तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू करते हैं। फोर बेसिक टाइप के टिश्यूज हैं जो पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर में आने वाला है हमारे पास, ठीक है,
इसी शायद दूसरा सेकंड या थर्ड चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया और नर्वस टिश्यू हो गया। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखें, एपिथेलियल होता है, एपी मतलब होता है ऊपर, और थैलियल कवरिंग हो गया, टिश्यू कवर बॉडी सरफेस, वो वाले टिश्यू जो बॉडी के सरफेस को कवर करते हैं, चाहे स्टमक है तो स्टमक के ऊपर का सरफेस, ठीक है ना। तो लाइंस हॉलो ऑर्गन्स, या कोई हॉलो ऑर्गन है पेट, स्टमक का ले ले तो उसके अंदर जो खोखलापन होगा ना, उस यहां पर जो परत होती है उसको लाइन करेंगे, और सबसे ऊपर की परत को ये लोग लाइन, लाइन मतलब परत चढ़ी होती है इनकी। हॉलो ऑर्गन एंड कैविटी, हमारी बॉडी में जाना कैविटी है वहां पर ये लोग होते हैं। एंड फॉर्म्स क्या करते हैं, ग्लैंड बनाते हैं ये। कनेक्टिव टिश्यू, नाम बता रहा, कनेक्टिव मतलब जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जोड़ने का मतलब कौन आएगा, बोन भी आ जाएगा, ब्लड भी आ जाएगा, सपोर्ट भी करते हैं, प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन वाइल डिस्टर्बिंग ब्लड वेसल्स टू द अदर टिश्यूज, वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स टू द अदर टिश्यूज, यानी कि कनेक्ट जोड़ने का काम कर रहा है। सीधी सी बात ये है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है, जोड़ता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन्स वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स टू द अदर टिश्यूज, और साथ साथ में क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स अलग अलग टिश्यू को सप्लाई कर रहा है। मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ता है टू मेक बॉडी पार्ट्स मूव, अगर ये मसल्स श्रिंक नहीं करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो चलोगे कैसे, टांगे अगर सुकड़ेंगी नहीं, मसल्स ऐसे सुकड़ती हैं, फैलती हैं, सुकड़ती हैं, फैलती हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे, डिटेल में आएगा ये, ठीक है। नर्वस टिश्यू सबको पता है, ब्रेन का नर्व सेल सबने पढ़ रखा है, इसके बारे में सब जानते होंगे, कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर थ्रू नर्व इंपल्स, है ना। नर्व इंपल्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या करता है, ये नर्व जो सेल्स होते हैं ये सिग्नल को कैरी करते हैं। ये सब चीजें डिटेल में आएंगी आगे जाकर के, आगे आते हैं। टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन। एट द ऑर्गन लेवल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर ज्वाइंट टूगेदर, अलग अलग टिश्यूज मिल जाएंगे और मिल करके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बना लेंगे। ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चर्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ये लाइन याद रखेंगे। ऑर्गन क्या है, स्ट्रक्चर है दैट आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। देखो बच्चों, यहां पर मैं टिश्यू को बता दिया, ऑर्गन को बता दिया, अब जब आगे हम पढ़ाई करेंगे टिश्यू ऑर्गन या जो भी नाम आते जाएंगे, वहां बार बार हम इसको डिटेलिंग नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन एंड यूजली हैव रिकग्नाइजेबल शेप, इनका कुछ ना कुछ खास फंक्शन होता है। ऑर्गन की बात कर ले, जैसे कि हार्ट, एक खास फंक्शन होगा, ब्लड पंप का काम है, और एक खास शेप होता है, क्लियर है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गन आर स्टमक हो गया, स्किन हो गया, बोन्स, हार्ट, लिवर, लंग्स, ब्रेन, ये सब क्या है, ऑर्गन हो गया हमारे। सिस्टम लेवल, जब ऑर्गन, दो तीन ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम बना दें, ठीक है। देखो बड़ा अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन, जो ऑर्गन आपस में कनेक्टेड है विद कॉमन फंक्शन, उनका काम एक ही होगा, मिलकर के सब मिलकर के कोई एक काम कर रहे होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझे, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझे, ठीक है ना, विच ब्रेक्स डाउन एंड एब्जॉर्ब फूड, फूड को तोड़ना और खाने को सोख लेना बॉडी के अंदर। तो अकेला कोई एक काम थोड़ा करता है, देखो कौन कौन कर रहा है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड है। माउथ चबाने का काम करेगा, सेलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा निकालते हैं, इससे कि कार्बोहाइड्रेट पचे, फेरिंग्स गले से निकलेगा, निकला जाता है, इसोफेगस से होता हुआ फूड आगे आता है, स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पचाएगा, स्टमक भी पचाने में काम करता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ लिवर और गॉल ब्लैडर, उसमें जो खाना होता है उसको पचाने में हेल्प करते हैं, और साथ साथ में कौन, पैंक्रियास। तो ये सारे जो ऑर्गन्स थे मिल करके एक काम कर रहे हैं, खाना पचाने का। तो अलग अलग ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम बना लिए हैं, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। अलग अलग ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाए हैं खाना पचाने का, और सब मिलकर के हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स एन ऑर्गन इज ए पार्ट ऑफ मोर देन वन सिस्टम, यस ऐसा भी हो सकता है, एक ऑर्गन दो सिस्टम का पार्ट हो। जैसे कि हम बात करें पैंक्रियास, ये खाना पचाने में भी हेल्प करता है, साथ साथ में हमारी बॉडी में हार्मोन्स भी रिलीज करता है, ठीक है ना। द पैंक्रियास फॉर एग्जाम्पल इज अ पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सुना होगा, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, पूरा सिस्टम है उसका, पढ़ेंगे वो भी आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पे तुमको बता दूं मैं, जिस किसी ने क्लास 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रखी है कायदे से, उसके लिए ये ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाला सिलेबस या ये कह लो सब्जेक्ट बहुत ईजी हो जाएगा, क्लियर है। आगे आते हैं, देन ऑर्गेनिज्मल लेवल, यानी कि जब बहुत सारे सिस्टम है ना, जब सिस्टम पूरा मिल जाएगा, ऑल द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग टुगेदर, जब सारे सिस्टम एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, है ना, ये सारे सिस्टम मिलकर के जब एक साथ काम करते हैं तो क्या बन जाता है, टोटल का टोटल पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता है। तो देखो जरा यहां पर समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, सबसे छोटे पे कौन थे, एटम्स थे, केमिकल लेवल, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या बना, मॉलिक्यूल बना, डीएनए, डीएनए से क्या बना, सेल बना, यहां पे स्मूथ मतलब सेल का शेप दे रखा है। बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बना रहे हैं,
ऑर्गन बना रहे हैं। आप देखो यहाँ पे कौन कौन से वो है, स्मूथ मसल टिश्यू लेयर, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू अंदर भी है प्लस ऊपर भी है। फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के, सॉरी हाँ टिश्यू हो गया ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बनाया, सिस्टम लेवल बनाया, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की हमने, जिसमें इसोफेगस, लीवर, पेंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, ऑर्गन्स हैं। इन्होंने मिलकर के एक सिस्टम बना लिया और सिस्टम बहुत सारे मिलकर के क्या बना लेंगे, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्लियर है, आगे आते हैं। तो अगर हम सिस्टम की बात करें तो हमारे पास बॉडी में कितने सिस्टम है टोटल, सिस्टम बात समझ में आ गई ना, डिफरेंट ऑर्गन मिलकर के कोई एक काम करवाते हैं। तो सिस्टम की बात करें तो हमारे पास कितने, 11 सिस्टम है। कौन कौन से है, इंटेग्यूमेंट्री यानी कि यहां पर स्किन की बात होगी, है ना, स्किन में कौन कौन आ जाएगा, हेयर्स है, नेल्स है, ये सब चीजें आ जाती हैं, स्किन की जो ग्लैंड्स होती हैं, स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों का सिस्टम, ये पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, आएगा ये पूरा चैप्टर है हमारे पास। मस्कुलर सिस्टम, मसल्स आएगा, नर्वस सिस्टम, ब्रेन वगैरह आ जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स के बारे में बातें होने वाली हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट के बारे में बातें होने वाली, हार्ट और पंपिंग सिस्टम सारा, लिम्फेटिक सिस्टम, जो बॉडी में लिम्फ होता है ना ब्लड के साथ साथ एक और सिस्टम होता है सर्कुलेटिंग, इसमें लिम्फ भरा हुआ होता है, रेस्पिरेटरी सांस लेने का जो प्रोसेस, इसमें लंग्स आएगा, ठीक है, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव सिस्टम सबको पता है, ये आएगा डिटेल में, यूरिनरी सिस्टम, किडनी के बारे में बातें होने वाली है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में बातें होने वाली है। तो ये सारी चीजें क्या हम लोगों ने क्लास 11th में नहीं पढ़ी है, हम लोगों ने मतलब तुम लोगों ने जब क्लास 11th में रहे हो गए, हाँ कुछ लोगों ने काफी पहले पढ़ लिया होगा तो शायद भूल चुके हो, कोई बात नहीं, जो लोग फ्रेशर है उनके लिए काफी अच्छा है, और जो लोग भूल गए हैं उसके लिए मैं हूं यहां पे, परेशान नहीं होना, ठीक है, आगे चलते हैं। तो 11 सिस्टम है, हम यहां पर इन सिस्टम को डिटेल में नहीं देख रहे क्योंकि ये सारे सिस्टम तुम्हारे 11 सिस्टम देख रहे हो शायद, ये स्किन को छोड़ करके बाकी 10 के 10 तुम्हारे 10 चैप्टर हैं अलग अलग, यस यही 10 चैप्टर आ जाएंगे आगे अलग अलग, ठीक है, सब डिटेल में पढ़ेंगे, आगे आते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं कुछ चीजों को समझ लो क्योंकि यही सब चीजें आएंगी ऊपर से नीचे, जब वर्ड इस्तेमाल होंगे तो क्या होगा, उन चैप्टर में बार बार मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आते हैं, बेसिक लाइफ प्रोसेस, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है, बच्चों को पता ही नहीं होता इन सब के बारे में। लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए बेसिक चीजें क्या क्या होती है हमारी बॉडी में, सबसे पहले आता है मेटाबॉलिज्म, पता है ना मेटाबॉलिज्म, ऑल द रिएक्शंस, क्या हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं, ऑल रिएक्शंस, है ना, जैसे हमारी बॉडी में कितनी सारी रिएक्शंस होती हैं, बिना रिएक्शन के तो हम लोग मर जाएंगे, रिएक्शन नहीं होगा अगर, हम लोग खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाया, केमिकली टूटता है, एंजाइम काम करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, सब कुछ क्या है, रिएक्शन से तो हो रहा है हमारी बॉडी में, बिना रिएक्शन के कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, सम ऑफ ऑल द केमिकल प्रोसेस या ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट ऑकर इन द बॉडी, सिंपल, ऑल केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी, ठीक है, या ऑल केमिकल प्रोसेस इन अ बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इट इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं, कैटाबॉलिज्म, ठीक है ना, देखो कैटाबॉलिज्म, बिल्ली देखा है, बिल्ली अगर कभी मान लो तुम्हारे किचन में घुस गई तो क्या करेगी, सब कुछ खड़बड़ा देगी, दूध नहीं पी लेगी, दूध पी लेगी वो सही बात है, लेकिन जब बर्तनों में घुसेगी तो सब कुछ खड़बड़ा देती है ना, चीजें टूट फूट जाती हैं, तो तोड़ने का काम कैट का, तो कैट से याद रखोगे कैटाबॉलिज्म, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इनटू सिंपलर कंपोनेंट, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं, हम लोग क्या खाते हैं, चपाती खाते हैं, रोटी क्या खाते हैं, रोटी, रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है, है ना, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, पढ़ोगे इसके बारे में भी, और ये टूट करके सबसे सिंपल मॉलिक्यूल में बदल जाता है ग्लूकोज, तो ये क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, ये कॉम्प्लेक्स था, या यूं कह लो ये बड़ा मॉलिक्यूल था, ये छोटा मॉलिक्यूल हो गया, सिंपल कह लो, या कह लो कि ये छोटा हो गया, तो यहां पर क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया, क्या हो गया, ये ब्रेकडाउन, टूटना हो गया, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। अच्छा, तुमने खाना खाया, बात समझ लेना थोड़ी सी, ग्लूकोज खाया, खाना खाया, ग्लूकोज कुछ तो इस्तेमाल हो गया, कुछ हमारा ग्लूकोज एक्स्ट्रा आ गया बॉडी में, क्या होगा, ग्लूकोज स्टोर होगा। अब ग्लूकोज एज इट इज स्टोर नहीं होता है, ग्लूकोज अपना रूप बदलता है, ग्लूकोज क्या करेगा, आगे जाकर के क्या होगा, ये ब्रेकडाउन हुआ था, ये जुड़ेगा, ठीक है ना, जुड़ करके क्या बनाएगा, ग्लाइकोजन बना लेगा, जो कि एक अगेन ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, यानी कह लो कि ये बड़ा वाला मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है ना, तो यहां पर जुड़ना और यहां टूटना, ब्रेकडाउन, ये कैटाबॉलिज्म हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, एनाबॉलिज्म, और ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में, जब कभी मान लो अचानक हमें दौड़ना पड़ रहा है ना, गली में जा रहे हैं, कुत्ता पड़ गया पीछे, अचानक से भागोगे एकदम से, ठीक है, एनर्जी कहां से आएगी,
यही ग्लाइकोजन टूट टूट के फटाक से किसमें बदलेगा, ग्लूकोज में टूट बदलेगा और हमको क्या देगा, एनर्जी देगा। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, दो पार्ट है किसके, मेटाबॉलिज्म के। तो एनाबॉलिज्म इज द बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप मतलब कोई चीज बनना, ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल, देखा हमने कॉम्प्लेक्स केमिकल, ठीक है ना, वो कॉम्प्लेक्स केमिकल ग्लाइकोजन का बनना, ठीक है, सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉलर या सिंपलर कंपोनेंट। क्लियर होगी बात ये। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक और एग्जाम्पल दे रखा है, डाइजेस्टिव प्रोसेसेस कैटाबोलाइजेस यानी कि स्प्लिट, तोड़ देती है, कैटाबोलाइज करती है प्रोटीन्स को। प्रोटीन भी एक क्या है, बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड, प्रोटीन को तोड़ करके क्या बना लेते हैं, अमीनो एसिड। दीज अमीनो एसिड आर देन यूज टू एनाबोलाइज बिल्डअप न्यू प्रोटीन डेट मेक अप बॉडी स्ट्रक्चर सच एज मसल्स एंड बोन्स। मतलब सब्जियों में जो प्रोटीन पाया जाता है हमारी बॉडी पहले से तोड़ेगी तोड़ेगी तोड़ेगी, उसमें से क्या निकालेगी, अमीनो एसिड, फिर इन अमीनो एसिड को लेकर के नए प्रोटीन बनाएगी, जैसे कि मसल्स प्रोटीन है, स्किन प्रोटीन है, हेयर हमारा प्रोटीन है, ये नए प्रोटीन बनाएगी अगेन द्वारा जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है? आगे आते हैं रिस्पॉन्सिवनेस और कॉन्शियसनेस, जिसे हम कह सकते हैं चेतना, ठीक है। मतलब क्या है, तुम ऐसे खड़े हुए हो अचानक से, मान लो किचन में खड़े हो और अचानक से गलती से तुमने तवा छू लिया है ना गरम, तो बिना देखे तुमने छू लिया, तुम एकदम से हाथ हटा लेते हो, कैसे हुआ ये, हमारी बॉडी ने तुरंत क्या किया, रिस्पॉन्स किया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, लिविंग सिस्टम का, रिस्पॉन्सिवनेस। इट इज अ बॉडीज एबिलिटी, ये बॉडी की क्षमता होती है टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। अगर हमारे सराउंडिंग में कोई चेंज हो रहा है तो उसको लेकर के हमारी बॉडी क्या करती है, तुरंत एक्टिव हो जाती है, कुछ ना कुछ हरकत करेगी, और जो हमको एक्टिव होने के लिए मजबूर करे, यानी कि जैसे गर्म तवे को छुआ हमारा हाथ हटा, तो जो चीज हमको रिस्पॉन्स कराने के लिए मजबूर करता है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, स्टिमुलस, लिख लो क्या होता है, स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस मतलब जो हमको चेंज, मतलब हमको एक्शन करने पर मजबूर कर दे। धूप में गए आंखें एकदम छोटी छोटी सी हो जाती हैं, तो धूप क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल एन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है ड्यूरिंग अ फीवर, रिप्रेजेंट्स अ चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन द बॉडी। बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ा, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आए होंगे, बदलाव आए होंगे, तो उस बदलाव को वापस से ठीक करने के लिए, बदलाव क्या होगा, बैक्टीरिया आ गया होगा, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है ताकि बैक्टीरिया मर जाए, ये तो हो गया इंटरनल। एंड टर्निंग योर हेड टूवर्ड्स द साउंड ऑफ हॉर्न, हॉर्न बजा तुम एकदम से देखते हो, रोड क्रॉस करते हो, क्यों देखा, इज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट आउटसाइड द बॉडी टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर अ पोटेंशियल थ्रेट। अगर हमें लगता है कि अरे टक्कर तो नहीं हो रही कहीं पे, तो डर सा लगता है, तो हमारी बॉडी तुरंत क्या होती है, तैयार होती है उसके लिए, हमारी बॉडी हरकत में आती है एकदम से, ठीक है ना। तो जो स्टिमुलस है वो बॉडी के अंदर से भी आ सकता है, बॉडी के सराउंडिंग से भी आ सकता है। क्लियर होगी बात। नाउ मूवमेंट, अब जो चलने वाला काम है ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इट इंक्लूड मोशन ऑफ द होल बॉडी, पूरी बॉडी का चलना, इंडिविजुअल ऑर्गन, ठीक है, सिंगल सेल मूव कर सकते हैं, पूरा ऑर्गन मूव कर सकता है, एंड इवन टाइनी स्ट्रक्चर्स इनसाइड सेल्स, सेल्स के अंदर अगर तुमको थोड़ा बहुत सेल का पता है पार्ट, तो तुम्हें पता होगा सेल के अंदर जो फ्लूड रहता है, इसके अंदर भरा हुआ रहता है, और इसके स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़े बहुत ऐसे मूव करते रहते हैं, है ना, चारों तरफ, तो ये जो वो मोशन भी होगा तो वो भी क्या होगा, मूवमेंट के अंदर काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द कोऑर्डिनेट एक्शन ऑफ लेग मसल्स मूव योर होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन यू वॉक और रन, यानी कह रहा है तुम्हारे लेग का कोऑर्डिनेटेड मोशन, दोनों टांगे मिल करके मोशन करती हैं, अब ये सर नहीं एक एक करके लंगड़ी टांग हो जाएगा, नहीं तो तब दोनों की एक उठेगा तो एक रखेगा, एक उठेगा तो एक रखेगा, कोऑर्डिनेटेड वे में है कि तुम आगे उठोगे तो मैं पीछे रहूंगा बैलेंस करने के लिए, तुम आगे चलोगे तो मैं बैलेंस करने के लिए रहूंगा। तो इस तरीके से जो लेग्स होते हैं कोऑर्डिनेटेड वे में, कोऑर्डिनेटेड मतलब एक तालमेल रहता है और एक जगह से दूसरी जगह तुमको पहुंचा देते हैं। क्लियर है बातें? ग्रोथ, अब ग्रोथ तो होती है ऑब्वियसली बात है, अब ग्रोथ को हमें समझना कैसे है, इंक्रीज इन बॉडी साइज, या तो साइज में बड़ा हो जाए कोई चीज, दैट रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और बोथ, या तो साइज में बड़ा हो जाए या नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाए, बढ़ जाए, दोनों ही चीज ग्रोथ में काउंट होती है। सेल एक से चार हो गए, ग्रोथ है, सेल का साइज बढ़ गया, ग्रोथ में काउंट होगा, ठीक है। देन डिफरेंशिएशन, ये बड़ा टर्म है, बच्चों को कंफ्यूज करता है। देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब कुछ ऐसा समझते हैं हम लोग, क्लास टेंथ में तुम्हारे सभी दोस्त लोग साथ रहे होंगे, तुम्हारा ग्रुप होगा 8-10 बच्चों का, फ्रेंड सर्कल है। टेंथ के बाद जैसे ही आप 11th में गए, आप डिफरेंशिएट हो गए, टेंथ तक सबने सेम, 11th में जाते ही किसने आर्ट्स ले ली, किसने साइंस ले ली, किसने मैथ ली, किसने बायो ली,
ठीक है ना, कोई कॉमर्स में चला गया, हर किसी ने अपना अपना काम, अपने अपने फील्ड का काम पकड़ा और वो क्या कर गया, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जब वो एक नॉर्मल स्थिति से, एक शुरुआत सब सेम और बाद में जब अपना अपना काम पकड़ ले, स्पेसिफिक हो गया, अब वो बायो वाले को मैथ नहीं आती, मैथ वाले को बायो नहीं आती, ठीक है। तो जब वो स्पेसिफिक हो गए तो हम कहते हैं डिफरेंशिएट हो गए। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो कि पता है कि जब क्या होता है स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट। ये जायगोट के अंदर ढेर सारा क्या होता है, सेल बार बार डिवाइड करके ढेर सारे क्या करते हैं, सेल बना लेते हैं। और ये सारे सेल सेम है, ये सारे सेल सेम होते हैं, फिर समय के साथ ये क्या करते हैं, तीन लेयर में डिवाइड हो जाते हैं, पहली लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर। फिर ऊपर की लेयर वाले जो सेल होते हैं, पता चला वो हेयर बना रहे हैं, नेल्स बना रहे हैं, अंदर वाले सेल वाले पता चला हार्ट बना रहे हैं। यानी कि अब हर एक सेल अपना अपना काम पकड़ रहा है। जब सेल्स अपना कोई स्पेसिफिक फंक्शन करने लगे, शुरुआत में सब सेम थे, बाद में कुछ अपना खास काम करने लगे, तो उसको क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन। क्लियर है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्रॉम एन अनस्पेशलाइज्ड, अभी स्पेशलाइज नहीं है, टू अ स्पेशलाइज्ड स्टेट। ये जो लाइन लिखी हुई है ताकि आप लोगों को समझ में आए, सच प्रिकर्सर सेल, प्रिकर्सर मतलब जो पहले था, जो स्पेशलाइज नहीं था, विच कैन डिवाइड एंड गिव राइज टू सेल डेट अंडरगो डिफरेंशिएशन आर नोन एज स्टेम सेल्स। ऐसे सेल्स जो डिवाइड होकर के आगे जाकर क्या करेंगे, सेल देंगे जो डिफरेंशिएट होकर के डिफरेंशिएट हो जाएंगे, उन सेल्स को, ऐसे प्रिकर्सर सेल को क्या नाम है, स्टेम सेल्स कहा जाता है। हमारी बॉडी में इनके अंदर क्षमता होती है, बॉडी का कोई भी ऑर्गन ये ग्रो करा सकते हैं। ईच टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी हैज स्पेशलाइज स्ट्रक्चर और फंक्शन। ओके, ईच टाइप ऑफ सेल्स इन द बॉडी हैज स्पेशलाइज स्ट्रक्चर और फंक्शन, ठीक है ना। जो हर एक टाइप का सेल है हमारी बॉडी में, उसका खास स्ट्रक्चर है और फंक्शन है, दैट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ इट्स प्रिकर्सर, है ना। पहले कुछ और था और अब मान लो ये याला सेल मिलकर क्या बना लिए, हार्ट बना लिए, तो ये वाले सेल्स और ये वाले सेल्स, जमीन आसमान का अंतर आ गया, पहले कुछ और थे अब कुछ और है। तो वही कह रहा है, अपने प्रिकर्सर सेल से, एंसेस्टर सेल जिनसे बन के आए हैं, उनसे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेड ब्लड सेल्स एंड सेवरल टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स ऑल अराइज फ्रॉम द सेम अनस्पेशलाइज्ड प्रिकर्सर सेल इन द रेड बोन मैरो। सबको पता होगा, बोन मैरो जो हड्डी के अंदर पाया जाता है, उसी से क्या बनते हैं, आरबीसी वगैरह बनते हैं और डब्ल्यूबीसी बनते हैं। स्टार्टिंग में दोनों सेम होते हैं, आगे जाकर के वो अपना अपना काम स्पेसिफाई कर लेते हैं तो अलग हो जाते हैं आगे जाकर के। नाउ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन को दो तरीके से समझना है हमको। पहला, इट इज रेफर आइदर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, है ना। चोट लग गई, गड्ढा सा पड़ गया, चोट लगने पे सेल ने क्या किया, डिवाइड हुआ, यहां पे गड्ढा भर गया तो सेल डिवाइड हुआ, एक तो ये है, ठीक है। न्यू सेल्स फॉर टिश्यू ग्रोथ, यहां पे किसकी ग्रोथ हुई, टिश्यू की हुई, रिपेयर हुआ टिश्यू और रिप्लेसमेंट हो गया, बदल गया, और द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, या फिर रिप्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे, जो यार रिप्रोडक्शन था हमारे पास, इस तरीके से ये दो टाइप के रिप्रोडक्शन रहेंगे। इसीलिए रिप्रोडक्शन की यहां पे बात करना हमारे पास क्या है, जरूरी है, कि नया सेल चाहे वो टिश्यू ग्रोथ रिपेयर के लिए हो, चाहे वो नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए हो, दोनों रिप्रोडक्शन यहां पे काउंट होते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स ऑकर थ्रू सेल डिविजन, नया सेल हमेशा किससे बनेगा, सेल डिविजन से बनेगा। द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल ऑकर थ्रू द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम बाय अ स्पर्म सेल टू फॉर्म अ जायगोट फॉलोड बाय रिपीटेड सेल डिविजन एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द दिस सेल्स। तो यहां पे यही बता रहा है कि स्पर्म ओवम फ्यूज कर जाएंगे, जायगोट बनाएंगे, फिर ये सारे सेल क्या कर जाएंगे, बाद में आगे जाकर डिफरेंशिएट हो जाते हैं, कोई हार्ट बना रहा है, कोई नेल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। क्लियर है। नाउ यहां पे कुछ बात बता रहा है वो, जो हमने अभी तक पॉइंट पढ़े, छह पॉइंट से पीछे हमारे पास है ना, ये छह पॉइंट जो बेसिक थे लाइफ प्रोसेस के लिए। तो कह रहा है, व्हेन एनी ऑफ द लाइफ प्रोसेस सीजेस, यानी कि रुकना, बंद हो जाना, हा बंद हो जाना, टू ऑकर प्रॉपरली, अगर रुक जाता है, काम प्रॉपरली नहीं करता, द रिजल्ट इज डेथ ऑफ सेल, या तो उस सेल की डेथ हो जाएगी, या टिश्यू की डेथ हो जाएगी, ठीक है, या डेथ ऑफ टिश्यू हो जाएगी, ठीक है, विच मे लीड टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेल मरे, कुछ ऑर्गन डैमेज हो जाए, अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म की भी डेथ हो जाए। क्लिनिकली, मेडिकली, लॉस ऑफ द हार्ट बीट, एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, सांस ना लेना, हार्ट दिल का धड़कना, एंड लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, दिमाग का काम ना करना, इंडिकेट डेथ इन ह्यूमन बॉडी। ये तीन चीजें ह्यूमन बॉडी में क्या दिखाती हैं, कि उसकी मौत हो गई है।
क्लियर है। अब ऑटोप्सी कोर्स में नहीं बट टर्म्स कई बार जिक्र हो जाता है तो समझो ऑटोप्सी क्या होता है, ठीक है, फार्मासिस्ट हो तुम लोग पता होना चाहिए। ऑटोप्सी क्या होता है, एन ऑटोप्सी और नेक्रोप्सी इज एस पोस्टमार्टम, सबने सुना होगा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं, ऑटोप्सी कहते हैं आफ्टर डेथ एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी। क्यों करते हैं हम लोग, क्यों काटा पीटी करते हैं, तो सबको पता होगा डिसेक्शन बॉडी काटे जाते हैं इंटरनल ऑर्गन टू कंफर्म, है ना, बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन होते हैं उनको काट के चेक किया जाता है टू कंफर्म द डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। कोई इंसान मर क्यों गया, नॉर्मल था एकदम सही था, अचानक से डेथ होगी, ठीक है। तो ऑटोप्सी कैन अनकवर द, अनकवर मतलब रहस्य खोलती है, एग्जिस्टेंस ऑफ डिजीज नॉट डिटेक्टेड ड्यूरिंग द लाइफ, कोई बीमारी थी पकड़ में नहीं आ रही थी और बंदे की मौत हो गई, है ना, कोरोना वायरस पेशेंट के ऑटोप्सी नहीं करने दी गई डर की वजह से कि जो करेगा उसको भी हो जाएगा वही मर जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर ऑटोप्सी की जाती किसी चीज की तो हमें उसका डिजीज ने अंदर जाके क्या नुकसान किया वो पता चलता है, ठीक है। तो कह रहा है ऑटोप्सी अनकवर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिजीज नॉट डिटेक्टेड ड्यूरिंग द लाइफ, जो लाइफ के दौरान हमें पता नहीं चली कि कौन सी बीमारी थी ऑटोप्सी के दौरान पता चल जाती है। डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ इंजुरी, कितनी चोट लगी थी अंदर अंदरूनी वो पता चल जाती है। एंड एक्सप्लेन हाउ दोज इंजुरीज मे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पर्सन डेथ, और ये भी बताती है कि वो इंजुरी ने, इंजुरी मतलब उस चोट ने किस तरीके से उस इंसान की डेथ कॉज करी है, उस इंसान को मारा, ठीक है। इट ऑल्सो मे प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिजीज, डिजीज के बारे में बताता है। असिस्ट इन द एक्युमुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा एंड एजुकेट हेल्थ केयर स्टूडेंट, ठीक है ना, तो डाटा इकट्ठा होता रहता है हमारे पास इससे ऑटोप्सी से कि अच्छा ये सब बीमारियां थी इनसे ऐसा ऐसा होता है वगैरह वगैरह करके, तो क्या है हमको हेल्प मिलती है ऑटोप्सी से काफी ज्यादा। नाउ एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास और वो टॉपिक क्या है, होम्योस्टेसिस। क्या है ये होम्योस्टेसिस, आओ समझते हैं क्या है होम्योस्टेसिस। तो होम्यो मतलब सेमनेस, एक जैसा एक तार, स्टेसिस मतलब स्टैंडिंग स्टिल, जो बिल्कुल एक जैसा एक तार बिल्कुल खड़ा हुआ है। अब क्या चीज एक जैसी खड़ी हुई है और ये होम्योस्टेसिस यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, तो देखो क्या कह रहा है, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल कंडीशन, स्टेबल मतलब एक तार इन द बॉडीज इंटरनल एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट का मतलब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर, समझना हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है, हमारी बॉडी का पीएच है, हमारी बॉडी में क्या है और क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियाज हैं, क्या बैक्टीरिया यहाँ पे काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस में बैक्टीरिया काउंट नहीं करेंगे हम लोग, मतलब बैक्टीरिया कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में हेल्प करते हैं हमारे पास। तो टेम्परेचर है, ब्लड वॉल्यूम है, पीएच है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो ये सारी चीजें, हर समय टेम्परेचर हमारी बॉडी का 37 कैसे रहता है, ठीक है, हमारी बॉडी में हमेशा 5 लीटर के लगभग ब्लड क्यों रहता है, उससे कम ज्यादा क्यों नहीं होता है, तो ये सब चीजें एक तार कैसे रहती हैं। इट ऑकर बिकॉज ऑफ द सीजलेस, बिना रुका, सीज रुक जाना, सीजलेस बिना रुके इंटरप्ले आपस में ऑफ द बॉडीज मैनी रेगुलेटरी सिस्टम, बॉडी के अंदर बहुत सारी रेगुलेटरी सिस्टम है जो आपस में बिना रुके लगातार काम करती रहती है, इंटरप्ले करती है। अब कौन कौन सी क्या गया और समझने की कोशिश करते हैं। होम्योस्टेसिस इज अ, कह रहा है, डायनेमिक कंडीशन, ये डायनेमिक है, हम लोग कहते रहे स्टेबल एक जैसी, मतलब एक तरह रुकी हुई नहीं होती है, ये स्थिर, जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग क्या कंडीशन है, हम लोग यहां पे इसको समझना चाहें डायनेमिक कंडीशन क्या मतलब है। जैसे मान लो ये बकेट है, ठीक है, और इस बकेट में नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया, ठीक है, और ये टैप लगा दिया हमने यहां पर, अब क्या है यहां से लगातार ये बकेट भरी हुई है और यहां पर हमने लगातार यहां से पानी गिर भी रहा है और यहां से भी एक एक दो दो बूंद निकल रहा है। तो अगर पानी को देखोगे तो पानी तो उतना ही है, लेकिन यहां से लगातार पानी गिर भी रहा है, पानी उसमें ऐड भी हो रहा है, यानी कि ये दिख रहा है कि उतना का उतना ही पानी है, बट क्या ये रुका हुआ है, नहीं, ये चलता हुआ पानी। सेम इसी तरह हमारी बॉडी में होता है, चीजें हम लोग खाना खाते रहते हैं, न्यूट्रिशन आता रहता है, न्यूट्रिशन निकलता रहता है, ठीक है, और चीजें हमारी बॉडी में क्या रहती है, स्टेबल रहती है, होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। ओके, अब क्या कह रहा है, इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशन, अगर कंडीशन चेंज होती है तो बॉडीज पैरामीटर कैन शिफ्ट अमॉन्ग पॉइंट्स इन अ नैरो रेंज, ठीक है ना, बॉडी के पैरामीटर है वो दो थोड़ा बहुत तो शिफ्ट करते हैं, कितना शिफ्ट करते हैं, अब यहां पे एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं, दैट इज कॉम्पेटिबल विद द मेंटेनिंग लाइफ, और जो शिफ्टिंग होती है थोड़ी बहुत वो उतनी होती है कि हमारी लाइफ चलती रहेगी, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड नॉर्मली स्टेज बिटवीन 70 से 110, इतना ग्लूकोज लेवल रहता है, ठीक है, मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 100 मिलीलीटर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि अगर खाना नहीं खाओगे तो हमारा मिनिमम कहां तक पहुंच जाएगा, 70 से नीचे बॉडी नहीं जाने देगी,
है ना, चक्कर आ जाएगा। ब्लड ग्लूकोज ज्यादा खा लोगे तो मतलब वैसा है तो 110 के ऊपर नहीं जाने देगा, तो क्या हो जाएगा हमारी हमारी बॉडी में क्या रहेगा, ये शायद 110 में होकर के शायद थोड़ा सा ज्यादा होता है, आई थिंक चेक कर लूंगा एक बार इसको मैं नोट्स में, अगर कुछ होगा तो करेक्ट कर दूंगा इसको मैं ग्लूकोज का लेवल, ठीक है। तो एक मैक्सिमम लिमिट है, तो मान लो फिलहाल 110 मान के चलते हैं, तो 110 के ऊपर नहीं जाने देगा उसको, ठीक है ना, यानी कि रेंज रहेगी हमारी, खाना ज्यादा खा लोगे तो मैक्सिमम 110 तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाने देगा। तो ये जो रेंज बीच में हमारे बॉडी इसी बीच में रखती है, इससे ना कम ना इससे ज्यादा, एक नैरो रेंज है, इसी बीच में सारा सिस्टम रहता है, ठीक है, ग्लूकोज का ये रहता है। ईच स्ट्रक्चर फ्रॉम द सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल से, सेल से ही काउंट करना शुरू कर दें, टू द सिस्टम लेवल और सिस्टम लेवल तक चले जाएं, कंट्रीब्यूट इन द सम वे टू कीपिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी विद इन नॉर्मल लिमिट्स, किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है, मेंटेन करने की हेल्प कर रही है, मेंटेन करने में हेल्प करती है, क्या, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी विद इन नॉर्मल लिमिट्स, जैसे कि ये लिमिट है, उसी लिमिट के अंदर बॉडी को रखने की कोशिश करती है, कौन, एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम तक चले जाए, तो हर कोई मिलकर काम कर रहा है यहां पर, क्लियर है, होमोस्टेसिस बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात क्या है, हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट, जब भी मैं बात करूंगा उसमें हर चीज आ जाएगी, हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते ही। अब ये कंट्रोल कैसा होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा जरूरी पार्ट है, कंट्रोल ऑफ होमोस्टेसिस। तो क्या कह रहा है, होमोस्टेसिस इन द ह्यूमन बॉडी इज कंटिन्यूअली बीइंग डिस्टर्ब, लगातार डिस्टर्ब हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, जैसे मान लो हम लोग खट्टी चीज खाएं, नींबू खाएं, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एसिड, एसिड है ना, उसका एसिड पाया जाता है, तो बॉडी अंदर कैसे होने लगती है, एसिडिक होने लगती है, तो उसको वापस से बेसिक करना होता है, ठीक है, तो वो लगातार डिस्टर्ब हो रही है, हम धूप में जा रहे हैं, बॉडी बहुत हीट हो रही है, हम ठंड में चले गए, बॉडी कांपने लगती है ना, तमाम चीजें हैं, तो लगातार डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिस्टर्बेंस बाहरी भी हो सकता है, अंदरूनी भी हो सकता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में डिस्टर्बेंस में क्या क्या आ जाएगा, इंटेंस हीट, बाहर गए धूप बहुत तेज है, अंदर तक धूप उसको गर्म करने की कोशिश कर रही है, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ज्यादा नहीं होना चाहिए, धूप में जाओगे बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो बॉडी क्या करेगी, पसीना निकालना शुरू कर देती है, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे हॉट समर डे में। अ लैक ऑफ इनफ ऑक्सीजन फॉर हार्ट 2 माइल रन, ठीक है ना, अगर दौड़ लिया तुमने बहुत ज्यादा तेजी से, तो बॉडी में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, तो कुछ ना कुछ होगा जो मेंटेन करेगा। इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात करें, जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल दैट फॉल्स टू लो व्हेन यू स्किप ब्रेकफास्ट, अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कई बार डाउन हो जाता है, तो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, हमारा होम्योस्टेसिस बिगड़ने की 24 घंटे कोशिश होती रहती है, लेकिन हमारी बॉडी उसे मेंटेन रखती है। होम्योस्टेसिस इम्बैलेंसेस, मतलब होम्योस्टेसिस का बिगड़ना, में आल्सो ऑकर ड्यू टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस, जो हम लोग चिंता करते हैं ना बहुत ज्यादा, उससे भी हमारी होम्योस्टेसिस बिगड़ जाती है। सोशल एनवायरनमेंट सच एज द डिमांड ऑफ वर्क एंड स्कूल, हमारा सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, तुम लोग किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, स्ट्रेस से भरा पड़ा है ना, कमा रहे हो फिर स्कूल, मतलब अपने ऑफिस जा रहे हो, कमा रहे हो ऑफिस जा रहे हो, खुद के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हो, स्ट्रेस से भर गए हो एकदम से। इन मोस्ट केसेस द डिस्ट्रप्शन ऑफ होम्योस्टेसिस इज माइल्ड, ज्यादातर क्या होता है, माइल्ड होता है, हल्का सा होता है, एंड टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए रहता है, जैसे कि ठीक है दर्द वगैरह हुआ और थोड़ी देर में चला जाएगा। एंड द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी सेल्स क्विकली रिस्टोर बैलेंस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, कोई हुआ मान लो सोए नहीं थे 2 दिन से, सर में दर्द हो रहा है, सर घूम रहा है, सो गए ठीक हो गया, तो कुछ तो बड़ा क्विक हो जाता है काम, लेकिन कई बार हाउएवर इन सम केसेस डिसरप्शन ऑफ होमोस्टेसिस में भी इंटेंस, बहुत ज्यादा होता है, एंड प्रोलोंग, लंबा होता है, एज इन पॉइजनिंग, ओवर एक्सपोजर टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बहुत देर तक रह जाओ, यानी कि मान लो तुम बर्फ में चले गए तो हाइपोथर्मिया हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं हो पाता है। सीवियर इन्फेक्शन और मेजर सर्जरी, यानी कि यहां से एक बात क्लियर हुई, पता चला हमारा होमोस्टेसिस बिगड़ जाता है बीमारियों में, और उसी को वापस मेंटेन करने में हमारी बॉडी लगी होती है, और दवाइयों के हेल्प से हम लोग वापस से होमोस्टेसिस को मेंटेन करवाते हैं। बात समझ में आई, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या बिगड़ गया, होमोस्टेसिस बिगड़ जाता है, ठीक है, जो लंबे समय की बात हो रही है उसमें कोई ना कोई बीमारी होती है, तो हमारा सिस्टम का होमोस्टेसिस बिगड़ जाता है बॉडी का। नाउ फॉर्चुनेटली मतलब ऐसे हम कहते हैं ना, भाग्यशाली है हम लोग, द बॉडी हैज मैनी रेगुलेटिंग सिस्टम, हमारी बॉडी के बहुत सारे रेगुलेटिंग सिस्टम है, डेट कैन यूजली ब्रिंग द इंटरनल एनवायरमेंट बैक इन टू द बैलेंस, वो तुरंत बॉडी के उसको कहते हैं इंटरनल एनवायरमेंट को वापस से लेके आ जाती है। मोस्ट ऑफन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, कौन से दो सिस्टम सबसे ज्यादा काम करते हैं होमोस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन जो हार्मोन वाला होता है, वर्किंग टूगेदर और इंडिपेंडेंटली, मिलकर के काम कर सकते हैं और ये अलग अलग भी काम कर सकते हैं, प्रोवाइड द नीडेड करेक्टिव मेजर, और प्रोवाइड करवाते हैं जो जरूरी है करेक्टिव मेजर, करेक्ट करने के लिए चीजें बॉडी के अंदर।
नर्व इंपल्स टिपिकली कॉज रैपिड चेंजेस, जो नर्व इंपल्स होती है ना तुरंत तुरंत फटाफट काम करती है, बट हार्मोन्स यूजली वर्क मोर स्लोली, हार्मोन्स धीमे धीमे काम करते हैं, ठीक है। बोथ मीन्स ऑफ रेगुलेशन हाउएवर वर्क टुवर्ड्स द सेम एंड, दोनों का हालांकि कोशिश एक ही है कि होमोस्टेसिस मेंटेन रहे, यूजली थ्रू नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब ये क्या बोला है, ये जनरली जो काम करते हैं ये काम करते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू। क्या है ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, तो यहां से अब शुरुआत होगी हमारे पास किसकी, फीडबैक सिस्टम। अगर होमोस्टेसिस पढ़ रहे हो और उसमें फीडबैक सिस्टम नहीं पढ़ा तो चीजें समझ में नहीं आएगी। तो यहां से देखो बच्चों, यहां पे तुम्हें कई सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जो तुम्हें सेकंड ईयर में, जैसे पैथोफिजियोलॉजी वगैरह या फिजियोलॉजी जो आएगी हमारी, एटोलॉजी वगैरह आएंगी, उसमें कहीं ना कहीं चीजें दिमाग में घूमेंगी, बीमारियां होती हैं तो ठीक कैसे होती है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर वहां पर कहीं ना कहीं इन सब टर्म्स का क्या होता रहेगा, इस्तेमाल होता रहेगा। कहीं ना कहीं हम बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है, तो पता होना चाहिए सारी चीजें। तो होमोस्टेसिस मेंटेन यानी होमोस्टेसिस बिगड़ेगा बीमारी, उसको ठीक करने के लिए सिस्टम लगे हुए हैं। वो ठीक करते कैसे हैं, दो उनके पास सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, इसको सिस्टम को कहते हैं हम लोग फीडबैक। फीडबैक मतलब एक तरह से बॉडी फीडबैक लेती रहती है, जैसे ना हम लोग स्कूल में फीडबैक जाता है, एक फॉर्म आता है, बच्चे से पूछा जाता है अच्छा टीचर आपको सही पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, बच्चा ठीक करता है हाँ अंडरस्टैंडिंग तो है, पढ़ाते सही नहीं है, नॉलेज बहुत सारी है, इस तरह से फीडबैक दे देते हैं। उसके हिसाब से फिर क्या होता है, टीचर या तो रखा जाता है बदल दिया जाता है, ऐसे ही ऑफिस में एम्प्लॉय के ऊपर होता है। तो फीडबैक दिया जाता है, हमारी बॉडी फीडबैक देती रहती है किसको, हमारे ब्रेन को, कि ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, ये ठीक है, इस पर मत कुछ करो, ये गड़बड़ हो रहा है, इस पर कुछ करो। तो हमारी बॉडी क्या दे रही है, फीडबैक। कैसे देती है फीडबैक, आओ समझने की कोशिश करते हैं। तो फीडबैक सिस्टम पहले समझ लिए, सिस्टम के इसके अंदर चीजें क्या क्या है। तो बॉडी कैन रेगुलेट इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट थ्रू मेनी फीडबैक सिस्टम, वो कई सारे फीडबैक सिस्टम से क्या करती है, हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करती है। तो फीडबैक सिस्टम और फीडबैक लूप, चाहे इसे फीडबैक लूप भी कहते हैं, इज ए साइकिल ऑफ इवेंट इन विच द स्टेटस ऑफ ए बॉडी कंडीशन इज मॉनिटर्ड, ठीक है ना। फीडबैक सिस्टम क्या है, एक इवेंट ऑफ साइकिल है, एक घटनाक्रम है, इन विच स्टेटस ऑफ अ बॉडी कंडीशन इज मॉनिटर, बॉडी कंडीशन लगातार मॉनिटर की जा रही है, सही है तो हो, गड़बड़ तो नहीं हो, या एवलुएट किया जाएगी, या चेंज की जाएगी, या री मॉनिटर की जाएगी, या री एवलुएट की जाती है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। उसके तहत क्या हो रहा है, बॉडी को एक तरह से निगरानी में रखा जा रहा है। ईच मॉनिटर्ड वेरिएबल सच एस, किस किस को मॉनिटर किया जा रहा है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बॉडी का टेम्परेचर है, मॉनिटर चल रही है, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी बॉडी मॉनिटर कर रही है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ तो नहीं रहा, घट तो नहीं रहा, घटेगा तो बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ेगा तो घटा दिया जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा तो पसीना छोड़ देगी मेरी बॉडी। ब्लड प्रेशर एक और आ गया जिसके ऊपर निगरानी रखी हुई है, ठीक है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसके ऊपर भी बॉडी ने अपनी नजरें अगड़ाई हुई है कि गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। इस टर्म आ कंट्रोल्ड कंडीशन, ये जो चीजें हैं जिनको कंट्रोल रखा जाने की हमारी बॉडी कोशिश करती रहती है, होमोस्टेसिस बनाए रखने की कोशिश करती रहती है, इन वेरिएबल्स को, वेरिएबल क्यों कहा गया, जो बदल सकती है, कौन कौन बदल सकता है, बॉडी का टेम्परेचर बुखार में बदल जाता है, ब्लड प्रेशर बीमारियों में बदल जाता है, कोलेस्ट्रॉल वाली में, ब्लड ग्लूकोज लेवल डायबिटीज में बदल जाता है। तो जो चीजें हमारी बॉडी की बदल सकती है उनको क्या बोला गया है, वेरिएबल्स, मॉनिटर्ड वेरिएबल्स, और इनको क्या बोल दिया गया है, कंट्रोल्ड कंडीशन या कंट्रोल्ड वेरिएबल भी बोला जाता है। अब बार बार कंट्रोल्ड कंडीशन का जिक्र होगा आगे। एनी डिसरप्शन यानी कोई चीज जो बिगड़ रही है, डैट चेंजेस आ कंट्रोल्ड कंडीशन, यानी कि कोई भी चीज जो कंट्रोल कंडीशन को बदल दे इज कॉल्ड स्टिमुलस, है ना, जो चीज को चेंज करेगी उसको स्टिमुलस कहेगा, देखो वर्ड आगे वाला। अब फीडबैक सिस्टम इंक्लूड्स थ्री बेसिक कंपोनेंट्स, आर रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड एन इफेक्टर। फीडबैक सिस्टम में तीन चीजें होती हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर, ये तीन चीजें हमें समझनी है। रिसेप्टर जो रिसीव करेगा, रिसेप्शनिस्ट, अच्छा चेंज हो रहा है, इट इज अ बॉडी स्ट्रक्चर डेट मॉनिटर्स चेंजेस, ये मॉनिटर को चेंज, ये चेंजेस को मॉनिटर करते हैं, देखते रहते हैं इन अ कंट्रोल कंडीशन एंड सेंड्स इनपुट टू अ कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर हमारे पास क्या है, ब्रेन है, वो मॉनिटर करता रहेगा, कोई चेंजेस आएगा तो ब्रेन के पास मैसेज भेज देगा भाई ये गड़बड़ हो रही है। दिस पाथवे इज कॉल्ड एन एफरेंट पाथवे, जो मैसेज भेजने का काम है, ठीक है ना, ऑर्गन से ब्रेन जब मैसेज जाता है तो वो जो रास्ता कहलाता है क्या, एफरेंट पाथवे कहलाता है। सिंस द इंफॉर्मेशन फ्लो टूवर्ड्स द कंट्रोल सेंटर, मतलब कि ब्रेन के पास जा रहा है, टिपिकली द इनपुट इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स, है ना, इनपुट जो मैसेज भेजा जाएगा वो नर्व इंपल्स के तौर पे होगा और केमिकल सिग्नल या केमिकल के रूप में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सर्टन नर्व एंडिंग्स इन द स्किन, ब्रेन से आकर के नसें हमारी स्किन पे लगी हुई हैं, ठीक है। सेंस टेम्परेचर, जैसे छूते तुरंत गर्म लग जाता है, तुरंत मैसेज गया ब्रेन में, ब्रेन ने हाथ हटवा लिया, यहाँ पे ब्रेन ने यहाँ सिग्नल भेजा हमारी मसल्स को, खींच पीछे हाथ, ठीक है, हाथ पीछे खींच लिया। सेंस द टेम्परेचर एंड कैन डिटेक्ट चेंजेस सच एज ड्रामेटिक ड्रॉप इन टेम्परेचर या
इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो नर्व्स की एंडिंग हमारी स्किन पे लगी हुई है वो टेम्परेचर को सेंस कर लेती है। नाउ कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर इन द बॉडी फॉर एग्जाम्पल द ब्रेन सेट्स द नैरो रेंज और सेट पॉइंट विद इन विच कंट्रोल कंडीशन शुड बी मेंटेन। ब्रेन ने एक सेट कर रखा, अच्छा ग्लूकोज लेवल इतना रहेगा, पॉइंट टेम्परेचर इतने के बीच रहना चाहिए, बीपी इतने के बीच में रहना चाहिए, इससे कम ना ज्यादा, कम ज्यादा होगा तो मैं फिर कुछ ना कुछ चेंज करूंगा, मतलब उसे वापस से लाने की कोशिश करूंगा। इवोल्यूट्स द वो रेंज में अगर रहेगा तो ब्रेन कुछ नहीं करता, ठीक है ना, और अगर बिगड़ जाता है तो, अगर बिगड़ जाएगा तो उसे ब्रेन क्या कर लेगा, उसे इवोल्यूट कर लेगा, परख लेगा। द इनपुट इट रिसीव, वो जो इनपुट आता रहता है उसके बाद अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जहां इनपुट गड़बड़ हुआ, अच्छा गड़बड़ हो रहा, तुरंत ब्रेन अपना काम करना सिग्नल भेजना शुरू कर देगा फ्रॉम रिसेप्टर एंड जनरेट आउटपुट कमांड व्हेन दे आर नीडेड। तो ब्रेन के पास जाता है, सिग्नल जाता रहता है, ब्रेन उसको चेक करता रहता है, ब्रेन को लगता है गड़बड़ है तो तुरंत क्या भेजेगा, आउटपुट भेज देगा। आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर टिपिकली ऑकर एज नर्व इंपल्स, ऑब्वियसली बात है, जो नर्व इंपल्स होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं उसमें जाते हैं, या हार्मोन्स के रूप में हो सकता है या अदर केमिकल सिग्नल हो सकता है। दिस पाथवे इज कॉल्ड इफरेंट, जो कहां से कहां हुआ, ब्रेन से ऑर्गन की तरफ गया, ये पाथवे कौन सा हो गया, इफरेंट पाथवे हो गया, कौन सा पाथवे हो गया, इफरेंट रास्ता ब्रेन से ऑर्गन की तरफ, सिंस द इंफॉर्मेशन फ्लो अवे फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर, तो इफरेंट है ना, वो एफरेंट है। ई से एक और चीज याद रखते, ई से क्या होता है, एग्जिट, बाहर निकल रहा है, कहां से बाहर निकल रहा है, ब्रेन से। ओके आगे आते हैं, एग्जाम्पल इन अवर स्किन टेम्परेचर द ब्रेन एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर रिसीविंग नर्व इंपल्स फ्रॉम द स्किन रिसेप्टर्स एंड जनरेटिंग नर्व इंपल्स एज आउटपुट। तो एग्जाम्पल दे दिया कि हमारे स्किन से जो सिग्नल जाता है ब्रेन के पास, वहां से क्या होता है, सिग्नल पहुंचा, फिर ब्रेन आउटपुट निकाल रहा है और जैसा भी काम होता है उसे करना होता कर लेता है। इफेक्टर कौन है, इट इज अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट रिसीव्स आउटपुट, ब्रेन ने जिसको मैसेज भेजा, जैसे मैंने कोई गर्म चीज छुई तो यहां से सिग्नल गया ब्रेन में, ब्रेन ने सिग्नल भेजा इस वाली मसल्स को और ये श्रिंक करके ऐसे हाथ खींच लिया पीछे। तो इफेक्टर क्या है, जिसके पास सिग्नल भेजा ब्रेन ने काम करने के लिए फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर एंड प्रोड्यूसेस अ रिस्पांस, और एक कोई रिस्पांस क्रिएट हो जाता है, और इफेक्ट दैट चेंजेस द कंट्रोल कंडीशन, ठीक है ना, वो रिस्पांस करेगा जिससे कि जो कंडीशन में चेंजेस आए हैं वो वापस से नॉर्मल हो सके। नियरली एवरी ऑर्गन टिश्यू इज द बॉडी कैन बिहेव एज ए इफेक्टर, बॉडी का हर एक पार्ट इफेक्टर की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि ब्रेन के पास सारी क्षमता है कि बॉडी के हर जगह से सिग्नल नर्व जुड़ी हुई है, ठीक है। When your body temperature drops sharply, your brain control center sends nerve impulse to your skeletal muscles, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तुमने देखा होगा सर्दियों में हम लोग कांपते हैं, शिवरिंग होती है, वो क्यों हो रही है शिवरिंग, ताकि हिलने से हीट पैदा होगी और हीट से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो वही कह रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है कि when your body temperature drops, गिरता है नीचे, your brain जिसको control center कहा गया है sends nerve impulse जिसे हमने output कहा है to your skeletal muscles जिसको हमने effector कह दिया। द रिजल्ट इज शिवरिंग, इसका रिजल्ट क्या होता है, हमारा बॉडी कांपने लगती है, विच जनरेट हीट एंड रेजेज योर बॉडी टेम्परेचर। तो अब तुमको एक बात क्लियर हुई कि हम लोग सर्दियों में कांपते क्यों हैं, हमारी बॉडी हीट जनरेट कर रही है जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो देखो डायग्रामेटिकली अगर समझने की कोशिश करें हम लोग इसको, तो स्टिमुलस पता है हमको क्या होता है ना, स्टिमुलस जो सिग्नल क्रिएट करवाता है, यानी कि या फिर यहां पर कह लें हम लोग स्टिमुलस कौन हो जाएगा, जो डिस्टर्ब करेगा होमियोस्टेसिस को, यहां पर सिग्नल जो स्टिमुलस कौन कहलाएगा, जो होमियोस्टेसिस को डिस्टर्ब कर देगा। ओके बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो उसको डिक्रीज करेगा हमारे होमियोस्टेसिस जो बैलेंस है, तो उसको कम कर देगा या बढ़ा देगा। कंट्रोल कंडीशंस, ठीक है, दैट इज मॉनिटर्ड बाय, अब क्या हो रहा है, कौन है जो रिसेप्टर थे उन्होंने रिसीव कर लिया, इनपुट कहां भेजा, कंट्रोल सेंटर में, ठीक है, कंट्रोल सेंटर ने आउटपुट कहां भेजा, इफेक्टर के पास, इफेक्टर ने रिस्पॉन्स करवाया, रिस्पॉन्स होने के बाद क्या हो गया, रिटर्न टू द होमियोस्टेसिस, वो वापस से अपने होमियोस्टेसिस वाली कंडीशन में लौट आया, कौन, जिस किसी भी चीज में गड़बड़ी हुई थी। क्लियर है, आगे आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्या बोल रहा, अ ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स कम्युनिकेटिंग विद देयर कंट्रोल सेंटर्स फॉर्म अ फीडबैक सिस्टम दैट कैन रेगुलेट अ कंट्रोल कंडीशन इन बॉडीज इंटरनल एनवायरमेंट। तो कह रहा है यही सब चीजें जो है रिसेप्टर इफेक्टर जो कम्युनिकेट करता है कंट्रोल सेंटर, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, फीडबैक सिस्टम बनाते हैं जो रेगुलेट करते हैं कंट्रोल्ड कंडीशंस, है ना, जो हमारा बीपी था उन सबको क्या करते हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, कम ज्यादा करते रहते हैं बॉडी में अगर जैसा होता है सिस्टम में, इन द बॉडीज इंटरनल एनवायरमेंट। क्लियर है, अब फीडबैक सिस्टम, द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, जो रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम है जिसको फीडबैक कहा गया, इंफॉर्मेशन टू चेंज द कंट्रोल कंडीशन इन सम वे, आइदर नेगेटिंग इट और एनहेंसिंग इट,
चेंज कैसे होगा? चेंज होगा या तो कोई प्रोसेस को रोका जाएगा, तो निगेट, निगेट मतलब रोक देना, नेगेटिव फीडबैक कि रोको भैया इसे, बढ़ रहा है ज्यादा ये, या एनहेंस या उसको बढ़ाएगा, पॉजिटिव फीडबैक कहा जाता है, ठीक है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है इसमें भी। तो नेगेटिव फीडबैक, कोई चीज बढ़ रही है बॉडी में उसको रोकने के लिए बोल देगा, कोई चीज कम हो रही है बॉडी में उसको बढ़ाने के लिए बोल देगा, तो पॉजिटिव फीडबैक कहा जाता है। अब देखो क्या कह रहा है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रिवर्सेस अ चेंज इन अ कंट्रोल कंडीशन, जो चीज हो गई है उसको रिवर्स कर रहा है, या कह लो कि रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। चेंज को रिवर्स, जो चेंज हो गया, बीपी बढ़ गया तो वापस लेके आएगा, दैट इज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। कंसीडर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय ब्लड एज इट प्रेसेस अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ये डेफिनेशन लिखी जाती है। जब ब्लड चलता है तो जो फोर्स लगाता है ब्लड वेसल्स पे उसको क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। व्हेन द हार्ट बीट फास्ट है, जब हार्ट बीट फास्ट तेज लगता है और हार्डर, काफी हार्ड मतलब धक 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 तक काफी तेज हो रहा है, बीपी इंक्रीजेस, बीपी बढ़ जाएगा। इफ सम इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस कॉजेस ब्लड प्रेशर, अगर किसी स्टिमुलस ने ब्लड प्रेशर कॉज करवा दिया है, बीपी को बढ़वा दिया है, ठीक है, टू राइज, द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑकर, तो उसके बाद ये घटनाएं घटने वाली हैं। क्या घटनाएं घटेंगी समझते हैं। बैरोरिसेप्टर्स, द रिसेप्टर्स, ये बैरोरिसेप्टर्स, अब देखो ये क्वेश्चन भी है कि कौन से रिसेप्टर्स हैं जो बीपी के बढ़ने को भाप लेते हैं कि बीपी बढ़ गया है, और फिर सिग्नल भेज देंगे ब्रेन में, भैया बीपी बढ़ गया है, कुछ करो कुछ करो, ठीक है, ओके। बैरोसेप्टर्स प्रेशर सेंसिटिव नर्व सेल्स, ये प्रेशर को सेंस करने वाले नर्व सेल्स होते हैं, लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ सर्टन ब्लड वेसल्स, है ना, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं पे जगह जगह पे लगे रहते हैं, ठीक। तो भाई बीपी बढ़ेगा तो ब्लड वेसल में बढ़ेगा, नसों के अंदर तो बढ़ेगा, पता चल जाता है कि खून का दबाव बढ़ गया है। डिटेक्ट द हायर प्रेशर, द बैरोसेप्टर्स सेंड नर्व इंपल्स, ये रिसेप्टर्स नर्व इंपल्स भेजते हैं, ठीक है, जिसको हमने इनपुट बोला हुआ है, टू द ब्रेन कंट्रोल सेंटर को, विच इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब उसको पढ़ेगा सिग्नल को कि क्या है, द इंपल्स एंड रिस्पॉन्ड, और रिस्पॉन्ड करता है बाय सेंडिंग नर्व इंपल्स आउटपुट टू द हार्ट, अब हार्ट के पास बोलेगा भैया धीरे धड़को, दिक्कत हो रही है, एंड ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल के पास भेजेगा, ठीक है, यानी कि यहां पर हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों क्या हो गए, इफेक्टर हो गए। हार्ट रेट डिक्रीजेस एंड ब्लड वेसल्स डायलेट, हार्ट थोड़ा धीमा धड़केगा और ब्लड वेसल्स जो पहले इतना था थोड़ा फैल जाएगा, जिससे खून आराम से उसके अंदर फ्लो कर सके, दोनों के पास सिग्नल भेजा इसने। दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्विकली रिटर्न्स ब्लड प्रेशर टू नॉर्मल एंड होमोस्टेसिस इज रिस्टोर्ड, तो समझे बीपी का एक नॉर्मल सा फंक्शन समझा हमने यहां पर। अब क्या कह रहा है, नोटिस दैट द एक्टिविटी ऑफ इफेक्टर कॉज बीपी टू ड्रॉप अ रिजल्ट दैट निगेट्स द ओरिजिनल स्टिमुलस, यानी कि जिस स्टिमुलस ने बीपी को बढ़ा दिया था उसको रोका है, उसने मना किया है उसको कि नहीं बढ़ने दिया, तो इसीलिए नेगेट, नेगेटिव फीडबैक हो गया, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो देखो यहां पर एक हमारे पास क्या है, छोटा डायग्राम है, स्टिमुलस ने क्या किया, होमोस्टेसिस को चेंज कर दिया, हुआ क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, रिसेप्टर्स जिनको हमने क्या कहा है, बैरोरिसेप्टर्स, उन्होंने रिसीव कर लिया, समझ लिया कि हाँ बीपी बढ़ गया है, सिग्नल कहाँ भेजा, ब्रेन में, ब्रेन ने कहाँ भेजा, हार्ट में और ब्लड वेसल्स में, हार्ट थोड़ा कम धड़केगा, धीमे से धड़केगा, और ब्लड वेसल्स क्या होगा, थोड़ी सी फैल जाएंगी, तो उनके अंदर से खून जो है आराम से बहेगा और रिटर्न टू होमोस्टेसिस, वापस से हम लोग क्या आ गए, बीपी हमारा नॉर्मल आ जाएगा। बात समझ में आई, आगे चलें, आगे आते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है ना। देखो यहां पर एक और चीज तुमको मेजर पता चलने वाली है, अनलाइक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम टेंड टू स्ट्रेंथन और रीइंफोर्स, मतलब जो घटना घट रही होती है उसको और तेज करवाता है, उसको सपोर्ट करता है चेंज को, इन वन ऑफ द बॉडीज कंट्रोल कंडीशन, बॉडी की कोई कंट्रोल कंडीशन होगी, ठीक है, तो उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। द कंट्रोल सेंटर स्टिल प्रोवाइड कमांड, यहां पे भी कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, कमांड करेगा और बोलेगा कि हाँ चीज को और बढ़ाओ, बट दिस टाइम द इफेक्टर प्रोड्यूसेस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट एड टू द और रीइंफोर्स टू द इनिशियल चेंज इन द कंट्रोल कंडीशन, ठीक है ना। तो यहां पर क्या था, जो स्टिमुलस काम करवा रहा था उसको ये बढ़ा देगा, ठीक है, अगर मान लो स्टिमुलस बीपी को बढ़ा रहा है तो ब्रेन भी कहेगा हाँ और बढ़ाओ, ठीक है, इस तरीके से काम होता है। अब क्या कह रहा है, द एक्शन ऑफ ए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कंटिन्यूस अंटिल इट इज इंटरप्टेड बाय सम मैकेनिज्म, ये सिस्टम तब तक चलता रहेगा, पॉजिटिव फीडबैक होता रहेगा जब तक कि उसे कोई चीज रोके नहीं। अब यहां पर हम लोग समझने क्या वाले हैं, किसके थ्रू समझेंगे, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ प्रोवाइड्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, क्लास 12 की बायोलॉजी में हम लोगों ने इसको पढ़ा भी हुआ है और समझा भी हुआ है, तो उसी का एग्जाम्पल हमने यहां से उठाया। देखो हुआ क्या, शुरुआत में क्या होता है, ठीक है, समझ लेते हैं और चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा।
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल ऑफ यूट्रस, है ना, बच्चेदाने का जो जहां बच्चा रह रहा है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। फोर्स द बेबीज हेड और बॉडीज टू द सर्विक्स, ये नीचे सर्विक्स होता है, सर्विक्स की तरफ जब यूट्रस वॉल सिकुड़ती है, ठीक है ना, तो बच्चे का सर नीचे सर्विक्स होता है जो पैसेज होता है बाहर निकलने वाला, वहां पर थोड़ा प्रेशर मारता है। जब सर्विक्स वॉल जो सर्विक्स के पास जाके सर ने प्रेशर मारा तो सर्विक्स ने वहां पर प्रेशर फील किया, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो गया। कंट्रोल कंडीशन स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स जो है वो क्या करेगा, अच्छा सर्विक्स क्या होता है पार्ट, थोड़ा सा डायग्राम बना दूं मैं ये इस टाइप से, ठीक है ना, ये बच्चादानी है, यहां पे सपोज बेबी है, यहां पर बेबी है, तो ये सर्विक्स है, दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज वजाइना। तो सर्विक्स पे यहां पे प्रेशर जैसे पड़ता है तो इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ डिलीवरी का टाइम हो गया है, क्लियर है बात। तो स्ट्रेचिंग खिंचाव आता है उसमें, अब हुआ क्या, खिंचाव आने से रिसेप्टर्स स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल्स इन द सर्विक्स, सर्विक्स के पास कुछ नर्व सेल्स है जो स्ट्रेचिंग को सेंस कर जाते हैं कि अच्छा बेबी की डिलीवरी का टाइम हो गया तभी यहां स्ट्रेचिंग हो रही है, वो सिग्नल भेज देगा ब्रेन के पास, ठीक है। इनपुट नर्व इंपल्स कहां गया, ब्रेन के पास, ब्रेन ने जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारे पास, ब्रेन इंटरप्रेट इनपुट एंड रिलीज ऑक्सीटोसिन, ब्रेन जो यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको कहती है भाई ऑक्सीटोसिन को निकालो फटाफट। अच्छा ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये हार्मोन है, ये क्या करता है जाकर के इस स्ट्रेचिंग वाले पार्ट को यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन वाले पार्ट को और स्ट्रॉन्ग करवाएगा। इफेक्टर मसल्स इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, ये कहां काम करते हैं ऑक्सीटोसिन, मसल्स ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, यूट्रस और सिकुड़ेगा, बच्चा और नीचे ढकेला जाएगा, यहां प्रेशर और पड़ेगा, ये प्रेशर और पड़ेगा, ये वापस से ब्रेन को भेजेगा कि भाई प्रेशर पड़ रहा है, ब्रेन कहेगा और निकालो, तो ये क्या उसको सपोर्ट करता जा रहा है ये, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट मोर फोर्सफुली रिस्पॉन्स, बेबीज बॉडी स्ट्रेचेस सर्विक्स मोर, अब इसमें होगा क्या, बेबी का बॉडी जो है सर्विस को और भी ज्यादा स्ट्रेच कर रहा है। आखिर में होगा क्या, साइकिल ये फिर वापस गया, इंक्रीज स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विस कॉज द रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन, सर्विस और स्ट्रेच हुआ फिर सिग्नल गया और ऑक्सीटोसिन निकला, ये साइकिल 4 से 5-6 घंटे चलती रहती है, यही जो डिलीवरी का टाइम होता है जिसे हम लेबर पेन कहते हैं 5-6 घंटे का, और अल्टीमेटली होता क्या है, बेबी की डिलीवरी हो जाती है, जैसी डिलीवरी होती है यहां पे स्ट्रेचिंग खत्म हो जाती है, ये प्रोसेस रुक जाती है। तो रोकने के लिए मैंने कहा ना कोई घटना घटेगी तो ये प्रोसेस खत्म हुई और ये प्रोसेस रुक जाएगी, इसी को मैंने यहां पे पूरा ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर इसको तुम लोग इसको रीड करोगे, कोई डाउट आएगा तो मुझको बताओगे, सब चीजें वही लिखी हुई है यहां पर। तो इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक, तो तुम लोगों को एक बात समझ में आई होगी, देखो बच्चों की अब दवाइयों के बारे में पढ़ोगे तो आखिरकार दवाइयां काम क्या कर रही हैं, क्यों काम कर रही है, होमोस्टेसिस क्या है, हमारी दवाइयां हमारा होमोस्टेसिस मेंटेन करने में काम कर रही है, सब बातें पूरी हमारी फार्मेसी में कहीं ना कहीं चलती रहेंगी। और ये सब बातें अगर नहीं पता है तो बार बार एक्सप्लेन करने में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। तो इसको अभी से पढ़ के रख लोगे, दिमाग में सेट कर लोगे, जिससे जब भी फ्यूचर में किसी भी टॉपिक में इन हेडिंग का इन किसी वर्ड्स का इस्तेमाल होगा तो वो तुम लोगों को अच्छे से दिमाग में सेट रहेगा, क्लियर है। तो करना क्या है, पढ़ाई करनी है, रिवाइज करना है और इंजॉय करना है, इंजॉय जरूर करना है ना, टेंशन में नहीं रहना है, ठीक है। तो पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो, ऑल द बेस्ट।